पूरी में आने के बाद ये फर्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग थोड़ा बाहर मंदिर में जाने के लिए निकले हैं। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में नहीं, वहाँ पर हम बाद में दर्शन करेंगे। बगल में एक मंदिर है, हम जब भी जाते हैं तो होटल के आसपास जब मंदिर होता है तो हम वहाँ जाकर थोड़ा सुबह सुबह पूजा करते हैं। नहाने के बाद पूजा करने की तो आदत होती है मम्मी की और मौसी की, तो फिर उन्हें तो मंदिर चाहिए ही। बस उसके बाद मैं लंच करने चली गई डायरेक्ट, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो वो लोग होटल में ही ऑर्डर किए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लंच करने चले आए। तो यहाँ पर अच्छा ही था, बहुत तरह का सब्जी, प्योर वेज था, यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं था, सब्जी चटनी पापड़ बहुत कुछ था। और ये जो थाली आप देख रहे हैं, ये थाली का जो मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा था, पर हमारे बंगाल की तरह टेस्ट नहीं था। उड़ीसा का खाना में थोड़ा सा हल्का सा खट्टा मीठा ऐसे ही था, लेकिन सब्जी जो थी वो थोड़ा सा तीखी तीखी थी, अच्छा था खाने में। फिर शाम के टाइम हम लोग तैयार हो गए, हर्षू का बर्थडे था सेलिब्रेट करने के लिए होटल में, तो ये लोग फूफा जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, हर सब के सब जा रहे हैं ऊपर रूम में। उसके बाद शाम के टाइम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया हर्षिका का बर्थडे। हाँ, मेरा मिनी ब्लॉग छोटा सा, मैं नेट का प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, छोटा छोटा ब्लॉग डाल रही हूँ। ये उसकी दादी दादाजी सबके साथ, इन्हें केक खाना पसंद नहीं है, महाराज को देखिए कैसे ये कर रहा है। बस ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे बर्थडे सेलिब्रेट का। तो कैसा लगा आप लोग को ये मिनी ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।